हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी लोगों के साथ मैं अपना हल्दी मेकअप लुक शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस ऑयल लगाया इनके फेस पे, ये डायनॉफ लंदन का था। देन उसके कुछ सेकंड बाद मैंने अपना प्राइमर यूज़ करा कलर बार का। फिर जो जहाँ जहाँ इनके डार्क पिगमेंट्स थी मैंने उसको ऑरेंज करेक्टर से हाइड करा, ठीक है। फिर उसको हाइड करने के लिए मैंने टू टोन डार्कर कंसीलर अप्लाई करा, ठीक है। फिर उसको देन मैं अप्लाई करूँगी, और वो चाहे तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। वो इसलिए ताकि जब हम फेयर टोन का जो भी फाउंडेशन लगाएंगे वो अच्छे से आए, और आपका जो भी होगा कलर वो ग्रे टोन में ना जाए, वो फेयर लगे, ठीक है। देन मैं अपना लाइटर कंसीलर यूज़ करा है मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे। आप लोग देख सकते हो हाईलाइटिंग पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ये तो आप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, फिर मैं एक अलग से वीडियो उस चीज़ की भी ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे। तो जब भी आप मेकअप करो तो ये ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी आप अपनी नेक को नहीं भूलेंगे, वहाँ भी हमें मेकअप मतलब फाउंडेशन हमें अपना लगाना होता है ताकि हमारा फेस और नेक इक्वल लगे। फिर मैंने अपना फॉरएवर 52 के लूज पाउडर से बेकिंग करी, देख सकते हो आप। फिर मैंने अपना आई शेडो पैलेट लिया फॉरएवर 52 का, उसमें से पिंक कलर लेके मैंने सीधा क्रीज पे डाला और क्रीज लाइन बनाई। तो चाहती तो मैं क्रीज कंसीलर से भी कट कर सकती थी, पर मैंने डायरेक्ट करा। फिर मैंने येलो कलर पुट करा आई लिड पे। फिर मैंने नीचे लैश लाइन पे ब्राउन कलर लिया, येलो कलर लिया और पिंक कलर से मर्ज करा। देन मैंने अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया था, हल्का सा विंग लाइनर अप्लाई करा। उसके बाद मैंने ग्लिटर ग्लू लेके लाइनर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके ऊपर मैंने पिंक कलर का ग्लिटर अप्लाई करा। फिर मैंने वाइट काजल अप्लाई करा जिससे कि आईज़ थोड़ी बड़ी लगी। देन लिप कलर अप्लाई करा मैंने पिंक कलर का, फिर उसके बाद मैंने लैशेज लगाए, और आप सब देख सकते हो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको इससे रिलेटेड रील्स देखनी है मेरी तो आप शाजिया फरहा मेकओवर पे जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।